हेलो स्टूडेंट्स, तो PYQ सीरीज में आपका स्वागत है फिर से। इस बार एक नया बढ़िया बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो देखिए, एक बात दी गई है, एक ब्लॉक ऑफ मास है, एक ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम, यानी मास कितना दे दिया गया है आपका 10 किलोग्राम। ठीक है भैया, अब मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा, आप लोग देखते होंगे मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आपको भी यही प्रोसेस यूज़ करना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ उसकी वैल्यूज लिखते जाओ, आराम से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या दे दी गई है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स, आफ्टर उसके बाद एक फोर्स लगा, एफ इज इक्वल्स टू -0.1 जूल पर मीटर ड्यूरिंग इट्स ट्रेवल फ्रॉम इतने से इतना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जरा देखो एफ इज इक्वल्स टू कितना दिया गया। एफ इज इक्वल्स टू दिया गया है माइनस का 0.1 x जूल पर मीटर। अब एक बात बताओ, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए होता है ना, तो क्या होगा जरा बताइए। ये हो जाएगा माइनस का 0.1 x, और अगर ए की वैल्यू हम देखें यहाँ से एम हटा दें तो डिवाइडेड बाई एम पहुँच जाएगी, है ना। और एक बात बताइए, इस ए को आप क्या कहते हो, ए को आप ये भी तो कह सकते हो ना, वी डी वी अपॉन डी एक्स कह सकते हो क्या, कह सकते हो क्या। ठीक है, क्योंकि हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, जरा देखो, इसको कहोगे माइनस का 0.1 x/m। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, डी एक्स को इधर पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगा जरा देखो, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भैया, देखो इनिशियल 0 सॉरी 10 थी, और फाइनल हमको पूछी है वी। ठीक है, और क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा वी डी वी, और इस साइड क्या हो जाएगा जरा देखो, इंटीग्रेशन में देखो इनिशियल कहाँ से, 20 से 30। ठीक है, 20 से 30, ठीक है 30। अब जरा देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचा 0.1 x, ये माइनस का है ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय m, और यहाँ से dx आ जाएगा, है ना, dx आ गया। इंटीग्रेट करो, v की वैल्यू निकालो, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रखो, आंसर खत्म हो जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ गया 10 से लेके v तक, और यहाँ माइनस का 0.1 / m बाहर आ गया, और अंदर क्या बचेगा भैया, x² / 2, है ना, और ये 20 से लेके 30, है ना। अब सॉल्व करना है हमको v की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक, v की वैल्यू v² - 100 / 2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 0.1 m/, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी, एम की वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी यहाँ से 10 kg, और ये कितना है 30 का स्क्वायर - 20 का स्क्वायर / 2, है ना। तो अगर हम डायरेक्ट 30 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर / 2, ये कितना हो जाएगा जरा सोचो, ये 20 20 25 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 2 से यहाँ का 2 उड़ा दो सीधे सीधे, तो इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा जरा देखो, बहुत आसान है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या बचा, v² देखो, देखो यहाँ से फिर से देखो, ये क्या था आपका v², देखिए ये था आपका v² - 100, v² - 100, और इधर क्या हो जाएगा जरा देखो, इधर आपका इस साइड था 30 स्क्वायर, जरा देखिए माइनस का 0.1 / 2, 0.1 माइनस का 0.1 / m की जगह 10 रख लो, और मैं फिर से कह रहा हूँ 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, और 20 का 400, और डिवाइडेड बाय 2 तो हमने कैंसिल ही कर दिया था, है ना। तो ये v² - 100 बराबर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आपका है 400 था, ठीक है, माइनस का 0.1, और ये आ जाएगा आपका 500,
और डिवाइडेड बाय 10 से अगर हम देखें तो एक से ये कट जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ 5 और ये देखो, तो देखो यहाँ से आ गया 100 और ये माइनस का 5 कितना बचा, 95 है ना। अब बची क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम कितना था, 10, और वी स्क्वायर की जगह कितना रख दोगे आप, 95 का स्क्वायर, या वी स्क्वायर की वैल्यू 95 है ना, तो ये 2 5 चला गया। अब जरा देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 5 से 25, 5 40 45 और 475 जूल। 475 जूल, कोई ऑप्शन है क्या, 475 जूल, ये देखो ऑप्शन 1 आ गया, इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं बेटा।